लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसी हस्ती मेरे आका अली सलाम फरमाते हैं, उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, और मलाए आला में यानी आसमानों की दुनिया में उस्मान गनी को फरिश्ते जुन्नूरैन के लकब से याद करते हैं, दो नूर वाले के लकब से याद करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन फितनों का जिक्र फरमाया कि मेरे बाद फितने का दौर आएगा और फितने बपा होंगे, और फिर उस्मान गनी बैठे थे, उनके कंधे पे हाथ रख के कहा उस फितने के अंदर ये शख्स शहीद किया जाएगा और ये हक पर होगा। फिर फरमाया उस्मान जब फितने का दौर आए और लोग तेरी खिलाफत की कमीज़ को उतारना चाहें उस वक्त तुम शहादत को गवारा कर लेना, लेकिन फितना करने वालों को जो है वो मौका ना देना कि वो खिलाफत की कमीज़ को तार तार करे। और फिर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को 40 दिन तक उनके घर में महसूर रखकर, कितने दिन तक, 40 दिन तक, जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी थी सिर्फ गलत फहमियों की बुनियाद पर एक माहौल क्रिएट किया गया, और बलवाई यानी बागी गिरोह बलवाइयों ने 3000 की तादाद में, और भी तादाद बताई जाती है, 3000 की तादाद में जो है वो मदीने मुनव्वरा में जमा होकर बाहर से आकर शोरिश की, फितना बपा किया, और 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के घर का मुहासरा किया। जिन दिनों घर में पानी था, खाना था, वो तो रहा, लेकिन बाद में जब पानी ख़त्म हो गया वो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के घर में पानी भी पहुँचाने न दिया, हत्ता के हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन ने पानी पहुँचाने की कोशिश की तो उनको भी पानी ले जाने न दिया गया, और भूखा प्यासा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला को शहीद कर दिया गया। और हुज़ूर की ये पेशिन गोई और गैब की खबर लोगों ने अपने आँखों से देखी कि ज़िलहज्जा शरीफ की 18 तारीख थी, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को भूखा प्यासा, बल्कि आप उस दिन रोज़े से भी थे, आपको शहीद किया इस हालत में कि आप कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे थे, और वो खून जो है आपका जो कुरान मुकद्दस पर पड़ा, आपकी अहलिया जो है वो जनाब नाइला जो थी उनकी उंगलियां काट दी, ये सलूक किया हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के साथ। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के दर्जात को बुलंद फरमाए। आपको मसल्ले पर आने नहीं दिया गया, और जब आप खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए तो आपके हाथ से जो है वो असा ले लिया गया, और एक बदबख्त ने उसको घुटने पे रख कर माज़ल्ला तोड़ दिया, और फिर उसकी सज़ा कुदरत ने उसको ये दी कि उसके घुटने में नासूर पैदा हुआ और तड़प तड़प कर वो मर गया। हज़रत उस्मान गनी के चेहरे पर बाज़ लोगों ने तमाचे लगाए, और हज़रत उस्मान गनी को बहुत बेदर्दी के साथ उन्होंने शहीद किया। लेकिन ये हमारे लिए दर्स इबरत है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हज़रत उस्मान गनी की ज़बान पर ना शिकवा था, ना शिकायत थी, ना उनके लिए बददुआ थी, ना उनके लिए दुआए ज़रर थी, ये बड़ा सानहा था। और अल्लाह तबारक व तआला में सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।